नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप PLC न्यूज़ और यहाँ पर हम दुर्ग शहर के माँ चंडिका का भव्य दरबार पर यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर कल से चैत नवरात्रि आरंभ हो रहा है, जहाँ पर हजारों की संख्या में ज्योति कलश प्रज्वलित होने वाली है। आज हम उस खबर के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि किस तरह से तैयारी चल रही है और लोगों का जो आस्था है माँ चंडिका की, जो पूरी कहानी है, यहाँ का स्थान कैसे लोगों के नज़र में आया, क्या कहानी है, कौन से राजा ने इस मंदिर का स्थापना किया से लेकर आज यहाँ पर जो निर्माण होता आया है, वहाँ तक की अपन पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मंदिर है ये कितने वर्षों से है, इसका सही प्रमाण अभी तक यहाँ पर किसी ने नहीं बता पाया। चैत नवरात्र जो है हिंदुओं का पावन वर्ष से शुरू होता है, हिंदुओं का कल से नव वर्ष प्रारंभ होता है, जिसके साथ पूरे भारतवर्ष में नहीं, जहाँ पर भी हिंदू वास करते हैं, वो जो कल का दिन है उसको नववर्ष के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। आइए जानते हैं चंडी मंदिर की और क्या कहानी है, कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ तक। हम यहाँ पर माँ चंडिका के मुख्य द्वार पर पहुँच चुके हैं, माँ के यहाँ पर माँ चंडिका विराजमान हैं। कल जो ज्योति कलश प्रज्वलित होने वाला है उसके चलते देखिए किस तरह से जोर शोर से मंदिर की जो साफ सफाई का काम चल रहा है, नीचे फ्लोर में भी पानी से जो साफ सफाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं माँ चंडिका मंदिर की जो तैयारी है साफ सफाई को लेकर। पूरी मंदिर में जितने भी दीवार पे माँ की प्रतिमा स्थापित है उस जगह में सारे जगह साफ सफाई चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं माता की तैयारी को जो लेकर जो है, क्योंकि कल से यहाँ पर ज्योति कलश प्रज्वलित होने वाला है, जिसमें लाखों भक्त यहाँ पर हर जगह से यहाँ पर आके अपने माथ नवा के अपनी मनोकामना पूर्ण करेंगे। माँ चंडिका आदि अनंत से यहाँ पर विराजमान है। माँ चंडिका का नाम चंडिका क्यों पड़ा, ये एक बहुत पौराणिक इतिहास है, इसको जानने समझने के लिए बहुत समय लगेगा। आइए जानते हैं यहाँ के प्रबंधक के द्वारा कि यहाँ पर ज्योति कलश कितना प्रज्वलित होने वाला है, क्या है इसकी महिमा, और समझते हैं ज्योति कलश प्रज्वलित कहाँ पर होने वाली है। आइए, ये माता का वो दरबार है जहाँ पर ज्योति कलश कल प्रज्वलित होने वाला है। जी हाँ, जो भक्तों की जो आस्था का जो केंद्र है, यहाँ पर माँ ज्योति कलश प्रज्वलित होने वाली है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है कल के प्रज्वलित को लेकर यहाँ पर भव्य तैयारी हो गई है। आइए जानते हैं जो यहाँ पर कलश को सजा रहे हैं, माँ की जो ज्योति कलश प्रज्वलित होगी, जो जिस कलश को सजाया जा रहा है, आइए उन लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पटेल जी जो अभी कलश को सजा रहे हैं। पटेल जी बताएंगे कि अभी तक आपने कितने कलश को सजा लिए हैं। अभी तक अभी जमा है 2300 जमा है, अभी 2300 जमा लिए हैं अभी, और कितना सजाने का बचा है? 200 और जमाना है, 200 और टोटल लगभग कितने को ज्योति कलश? 2500 ज्योति कलश प्रज्वलित होना है। अभी तैयारी क्या क्या है, कैसे कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं? अभी पान डालेंगे, नींबू डालेंगे, सुपारी, हल्दी, कपरी पान, ये और सामान, कमल कट्टा, ये सब डालते हैं। आप कितने वर्षों से माँ की सेवा करते आ रहे हैं? मैं 20 से 25 साल हो गया। 20 से 25 साल से आप यहीं सेवा दे रहे हैं? जी, बहुत बढ़िया। यह वो स्थान है माँ का जो पवित्र स्थान है, जहाँ पर ज्योति कलश कल से प्रज्वलित होने वाला है, जिसके चलते हजारों लाखों श्रद्धालुओं का भक्ति जो है यहाँ पर एक आस्था केंद्र के रूप में नज़र आती है। हजारों भक्त आकर यहाँ पर माथ नवाएंगे, अपनी मनोकामना भी पूर्ण करेंगे और यहाँ पर सदियों, मतलब जमाने से, वर्षों से इस स्थान पर ज्योति कलश प्रज्वलित होते चला आ रहा है। आइए यहाँ के प्रबंधक से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अभी जो ज्योति कलश प्रज्वलित होगी कितनी की संख्या है और किस तरह की तैयारी है, पंचमी कौन से दिन में मनाएंगे, ये पूरी जानकारी हम यहाँ के प्रबंधक से लेंगे। आइए, माँ चंडिका दरबार के जो मुख्य प्रबंधक है यहाँ पर मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे कि क्या आगामी योजना है चंडी मंदिर में। जो हमारे साथ मौजूद है यहाँ के चंडी मंदिर के व्यवस्थापक जी, जी अपना परिचय बताएंगे महाराज जी। मेरा नाम जय शर्मा है, मैं चंडी मंदिर न्यास समिति के व्यवस्थापक हूँ और सब कार्यक्रम नवरात्रि का चल रहा है। अभी 2023 नवरात्रि, शरद नवरात्रि का, बसंत नवरात्रि का, तो हमारे यहाँ 2500 ज्योति कलश जलते हैं और दो प्रधान कलश ज्योत होता है,
तो जो मनोकामना ज्योति कहते हैं इसको, जो ज्योत जलती है इसको मनोकामना ज्योति प्रज्वलित करती है। लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ज्योत जलाते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो और कंटिन्यू जलाते रहते हैं। यहाँ पर आप कब से सेवा दे रहे हैं माता जी? मैं तो यहाँ समझ दो सन 72 से मैं यहाँ पर हूँ, सेवा जो दे रहा हूँ सन 72 से मैं सेवा दे रहा। हमारे द्वारा ही निर्माण होते गए है, हम लोग जब आए कमेटी बनाए तब से फिर निर्माण का और उसके मंदिर का जमी करे करना निर्माण करना कंटिन्यू चले रहा है। अभी सामने जो गेट वगैरह देख रहे बना नक्काशी जो बना हुआ है तो सामने का गेट जो है राजस्थान के कारीगर बनाए थे और ये जो गेट बना हुआ जो अंदर फोटो जो बनी हुई माता जी की नक्काशी जो है इसको उड़ीसा के कारीगर आग बनाए हुए थे। तो अभी कार्यक्रम और बाकी है चलने हैं, नवरात्र के बाद फिर चालू होगा कार्यक्रम। और नवरात्र भी हम लोग हर गुरुवार को माता जी के प्रसाद बटाते हैं, खिचड़ी के प्रसाद। अभी करीबन 1.5 साल से कंटिन्यू चले हर गुरुवार गुरुवार को खिचड़ी का प्रसाद, कभी साबूदाना का प्रसाद हर गुरुवार को शाम को बंटवाते हैं। अभी लगभग कितने ज्योति कलश प्रज्वलित हो? 2500 ज्योति कलश, 2500 हो रहे। हमारे समय यानी संख्या सीमित है, उससे ज़्यादा नहीं जलाते, उतनी हम रस्सी छपवाते हैं जितने हमको ज्योत जलाना है जी। तो 2500 ज्योत जलना है और 2500 रसीद कटती है। बाहर से भी कोई ज्योत जलाते हैं? बाहर ज्योत आते हैं, अभी तो जैसे आपका कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से है ना, USA है, वो आते सब यही लोग जो वहाँ शिफ्ट हो गए हैं तो अब वहाँ से भेजते रहते हैं, जलाते रहते हैं जो उनका जो है। अब पूरे अपने पूरे प्रदेश जो है देश में सब जगह दो से यहाँ जलती है, कलकत्ता है, चेन्नई है ना, आपका MP है, दिल्ली बॉम्बे है, तो जितने अपने प्रदेश देश के हैं सबकी जोत जलती है यहाँ पर। महाराज जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चंडी मंदिर का जो दरबार है वो वर्षों से है, इसकी वर्णन तो कोई कर नहीं पाया कि कब से है, लेकिन यहाँ की जो मुख्य विशेषताएं हैं माँ को लेकर, जिसके चलते पूरे भारतवर्ष में माँ चंडी का दुर्ग की मंदिर की महिमा का बखान है, उसके लिए तो शब्द कुछ बताएंगे। वो ऐसा है कि इसके बारे में जो मंदिर का निर्माण तो किसी ने किया नहीं है, देखो ये स्वयं हुए माता जो जो कुंड स्वरूप है ना, जैसे वो देख रहे हो नीचे जो कुंड दिख रहा है वो कुंड स्वरूप वही प्रचंड मतलब है चंडी दरबार है जी। बाकी जो मूर्तियाँ जो सामने अन्नपूर्णा है, फिर चंडिका है, फिर उसके चामुंडा है, फिर गणेश है, उसके ऊपर दुर्गा, उसके ऊपर भैरव, उसके ऊपर काली है, तो ये बाकी मतलब हमने स्थापित किया हुआ है, लेकिन वो जो कुंड स्वरूप है वो स्वयंभू है। वो यानी हमारे हमारे किंवदंती जो है हम लोग सुनते आए अपने कार्यकाल में, तो यहाँ पे जो राजा जगतपाल जी थे यहाँ के जमींदार, उनके द्वारा उसका खोज किया गया था, उनको स्वप्न आया था कि भाई हम लोग स्थान पर यहाँ पे जंगल था एरिया पूरा जो है, तो यहाँ पे जो जंगली जानवर आते हैं फिर गंदगी कर देते हैं, तो उसको मेरे को स्वच्छ करा दो। राजा आता है सिपाहियों को लेके, ढूंढता है नहीं मिलता है, वापिस चला जाता है, फिर राजा को स्वप्न आता है कि भाई आप आके सफाई नहीं कराए हो। फिर दोबारा आता है तो क्या देखता है कि गाय जो है जगह में खड़ी स्थिर खड़ी रहती है और उसके थन से ऑटोमेटिक दूध गिरते रहते हैं, तो राजा को आश्चर्य लगता है कोई है नहीं, गाय एक जगह हिल डुल नहीं रही है, तो पास आते तो उसको एक गड्ढा दिखता है तो दूध उसी में गिरते रहता है। जब उसके थन का दूध पूरा निकल जाता है तो गाय चली जाती है, गाय का पीछा करते हैं तो गाय उसको मिलती नहीं है, अदृश्य हो जाती है। तो उस जगह को कभी यही माता जी है कह के जंगल साफ कराते हैं वहाँ को, और साफ करा के घास फूट के झोपड़ी, जब जंगलों में झोपड़ी बनाते घास फूस वाला, तो उसे झोपड़ी का निर्माण कर दिया था, तो झोपड़ी चले आ रहा था बहुत दिन तक के। जब धीरे धीरे क्या है कि एक आदमी है कि जो है बाजार में दुकान है हनुमान लाला गुप्ता वाला, तो वो देखे तो बोले वो टीन शेड बनवा दिया है, उसकी इच्छा जंगली बहुत आते नहीं आते थे, तो वो घास फूस घटा के टीन शेड बनवा दिया, तो टीन शेड चले रहा था, गड्ढे में था वो मूर्ति, अभी तो एकदम लेवल आ गया है, गड्ढे में था, सीढ़ी उतर के लोग अंधेरा रहता था, तो शाम को आदमी आने में डरते थे। तो उसके बाद क्या कि सब 62 में एक अष्टगिरी योग बना था जिसमें लोगों को ऐसे डराया गया था, जो भी भविष्यवाणी किए थे कि लोगों को नष्ट हो जाएंगे, अग्निवर्षा होगी, ये होगा, धूम केतु टूट के तारा बट बिखर जाएंगे, तो लोग डर के यहाँ पर कहे कि हमने एक चंडी यज्ञ का आयोजन करवाया है, तो सामने गेट के साइड में जहाँ पे वो पाए हमारे नल लगा है पियाओ पानी का, तो वहाँ पे यज्ञ कराए थे। तो यज्ञ कराने से क्या यज्ञ संपन्न हुआ तो उससे कुछ पैसे बच गए थे, करीबन 9000 आसपास। तो उसके बोले क्या कर इस पैसे का, तो बोले मंदिर का हम बाउंड्री बना देते हैं, निर्माण नए करते हैं टीन शेड हटा के, तो उसको निर्माण करना शुरू किया, तो बाउंड्री अलबल गए तो छत ढलाने के लिए पैसा 9000 कितना आएगा,
तो उसके ढलाई कैसे करें? तो उस समय ढलाई के लिए बोला गया कि कौन लाएगा पैसे, मान लो 60-70 हज़ार की खर्चा आता है, तब एक उस कौन देगा? उस समय डेरा राम यादव थे यहाँ पे, मोतीपारम रहते हैं, उनके पास गए, उसके मित्र मेहता जो एक्सपायर्ड हो गए हैं, तो उससे जाके बोले कि भाई हमको पैसा चाहिए। तो बोले कितना पैसा चाहिए? बोले मंदिर का छत ढलाना है, जो लागत आपको देना है। तो बोले जितना पैसा लगता है सब लगाओ, लेकिन एक शर्त मेरा यह है कि उसमें मैं कहीं पर भी एक नाम डलवा देना, कहीं भी नीचे ऊपर जहाँ आप पीछा होगे नाम डलवा देना। तो एक्सेप्ट कर लिया कमेटी जो है। उसके बाद फिर उसको निर्माण किया, गुंबद गुंबद पूरा बन गया, कलश भी चढ़ाया था मंदिर में, शीतला मंदिर चंडी में, शहर के हर मंदिर पहले उसी के मीटर लगाते, एक मीटर जिसमें एक लाइट वो स्वयं जलाते थे, पैसा भी देते थे, वैसे चले आ रहा था। अब उसके बाद धीरे धीरे समिति 72 में हमने ये कराया, ट्रस्ट बनाया, 72 ट्रस्ट बनने के बाद फिर इसका निर्माण बढ़ना शुरू हुआ। उसमें 75 से करीबन हमने ज्योति पर जलाना शुरू किया, पहले लोग स्वयं जलाते थे ज्योति यहाँ पे, पहले शुरू में कोई एक दोस्त जैसे आप आए आप जला गए बैगर रहता था, जलाए पूजा कर चल देता था, कमेटी बनी थी, कमेटी फिर उससे 51 रुपये में पहला ज्योत सब शुरू किया जलाना। तो उसमें शुरू में 51 ज्योत जले थे, उसके बाद वो 101 फिर 2 ऐसे बढ़ते गया, तो हमने 51 का 101 151 ऐसे फिर रेट अमाउंट भी बढ़ाते गए। तो आज के तारीख में हमने 700 रुपया है प्रति ज्योत के पीछे, और 2500 ज्योत जलती है, और उससे जो फंड अपने बचता गया तो सब निर्माण कर चला, जमीन खरीद कुछ नहीं था, ये छोटा जगह था मंदिर का, तो आज पूरा कैंपस आखिर तक के हमने ले लिया है, उसी में सब निर्माण, तो उसी का निर्माण होता चला है, इसी के पुण्य से निर्माण होता है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। मतलब राजा के समय से चले आ रहा है जो पाठ पूजा, वो आज तक अनवरत कंटिन्यू कंटिन्यू है। माँ चंडिका सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, जिसके चलते हर व्यक्ति एक आस्था भाव से माँ चंडिका का, श्रद्धा भाव का ज्योत जलाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अभी चंडी मंदिर से संबंधित जो भी जानकारी थी, राजा के ज़माने से लेकर अब तक का निर्माण कार्य किस तरह से हुआ है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ के जो महाराज जी हैं व्यवस्थापक के रूप में, उन्होंने पूरी जानकारी दी। जो जानकारी हमसे कुछ चूक हो गई है, उसके लिए हम अपने जो हमारे जो भक्त हैं, जो इस वक्त इस खबर को देख रहे हैं, उसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। हर खबर के लिए बने रहिए VLC के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।